नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। आने वाले उपचुनावों में भाजपा की राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पहले शिवराज सिंह का वायरल वीडियो, फिर सिंधिया को आरटीओ, और प्रदेश के पाल बघेल समाज और ग्वालियर ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके पीछे बीते दिन वायरल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी का आरटीओ है, जिसमें उनके द्वारा अपनी विधानसभा जबरा के ग्राम पछा के रहने वाले धर्मेंद्र बघेल की आंखें फोड़ देने की धमकी देती हुई पूर्व कैबिनेट मंत्री सुनाई दे रही हैं। इस बात से नाराज होकर अखिल भारतीय युवा पाल बघेल महासभा मध्य प्रदेश द्वारा ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया गया और आंख फोड़ देने की धमकी के चलते पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की गई है। साथ ही धर्मेंद्र बघेल की जान को इमरती देवी से खतरा बताया जा रहा है और ज्ञापन में जिक्र भी किया गया कि इमरती देवी कभी भी धर्मेंद्र की हत्या करवा सकती हैं, ऐसे में उसे और उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वहीं अब ग्वालियर ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी ने भी पूर्व मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डबरा से संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। कंप्लेंट आपने की है और क्या शिकायत की है? हमने आज SC ऑफिस में कंप्लेंट की है और मेरे को मारने की और साजिश है और कॉल्स आ रहे हैं। बहुत कौन धमकी दे रहा है आपको? मेरे को इमरती देवी के कॉल से आ रहे हैं और भी उनके जो भी कुछ हैं, बहुत सारे कॉल आए हैं। मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ। क्या कहेंगे? धर्मेंद्र बघेल ने भी विधानसभा चुनाव में इमरती जी की मदद किया था। मदद करने की वजह से उसका हक भी बनता कि उसके यहाँ कोई जन समस्या है वो कहे और विधायक उस समस्या का निराकरण कराए। डबरा क्षेत्र की जनता ने इमरती देवी सुमन को अपने पलकों पर बिठाया, 60,000 वोटों से चुनाव जिताया और चुनाव जीतने के बाद लोगों को धमकियां देती हैं, जनता के जनादेश को बेच दिया। जनादेश बेचकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया, जबरदस्ती डबरा क्षेत्र की जनता पर उपचुनाव थोप दिया। इन्होंने जो धमकी दिया है कि तू मुझे जानता नहीं है, मुझे इमरती कहते हैं, मैं तेरी आंखें निकलवा लूंगी, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इसके पहले भी किसी मीडिया वाले को भी इमरती देवी ने धमकी दिया था कि तुझे मरवा दूंगी, तो इनके लिए आम बात है। इमरती के लिए चुनाव जीतने के बाद और मंत्री बनने के बाद तुझे बोरा गई, जनता से सही बात नहीं करना, कार्यकर्ताओं से सही बात नहीं करना, किसी को झड़क देना, डांट देना, ये इनका रवैया है। अब जनता इनको जवाब देगी चुनाव में। ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में जो लिखित तथ्य हैं उस पर अभी हम एक बार ज्ञापन देख लें, पूरा विषय क्या है उसके पश्चात ही आगे कुछ बता पाएंगे। उन्होंने ऐसा बताया है ज्ञापन में जो विषय लिखे हैं उसके अनुसार उन्हें सुरक्षा दी जाए, तो मैं पहले एक बार ज्ञापन देख लूँ। अभी आप लोगों ने समय दिया मुझे, ठीक है, थैंक यू।